आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले से तय था, असहिष्णुता पर बयान को मुद्दा बनाकर शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले का रिलीज होते ही विरोध हुआ। खुद को समाज का ठेकेदार समझने वाले संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में शाहरुख के खिलाफ नारेबाजी की, पोस्टर फाड़े, थिएटरों पर हंगामा किया। ये सब किस लिए? इस मुद्दे पर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे, मगर पहले देखिए आज देश भर में क्या हुआ। ये विरोध है शाहरुख की फिल्म दिलवाले के खिलाफ। ये प्रदर्शन है किंग खान की सबसे ताजा रिलीज फिल्म को लेकर। यह गुस्सा है एसआरके की पर्दे पर उतरी फिल्म दिलवाले के खिलाफ। विरोध इसलिए क्योंकि शाहरुख खान ने असहिष्णुता पर बयान दिया था। अब बयान दिए कई दिन बीत गए, शाहरुख ने माफी भी मांग ली थी, जो भी प्रॉब्लम है मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन विरोध करने वालों को तो बस विरोध करना है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संगठन शाहरुख के खिलाफ सड़क पर उतरे और नारेबाजी और पोस्टर फाड़ने में जुट गए। ये तस्वीरें हैं मुंबई के दादर इलाके की। शाहरुख की फिल्म को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने नचल मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। पिक्चर को यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलने देंगे और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। उधर जबलपुर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़े, इसकी वजह से सुबह 9 बजे का शो रोकना पड़ा। दिल्ली के डिलाइट सिनेमा हॉल के बाहर हिंदू सेना के कुछ समर्थकों ने दिलवाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये हाल है जयपुर का। जयपुर के आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स में फिल्म का शो रुकवाने की कोशिश की गई, मगर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। शाहरुख खान ने जहरीला बयान देकर के पूरे देश की सहिष्णुता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की है, उसके विरोध में आज हम तमाम लोग जयपुर शहर के हर सिनेमाघर में पहुंच के उसकी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर दिया है और हमने इनसे बताया भी, अब आपका विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया यहाँ से, तो बस यहाँ से शांतिपूर्वक हटाया जा रहा है। उधर वाराणसी में तो फिल्म के विरोध के दौरान शाहरुख के समर्थक और विरोधियों के बीच भिड़ंत हो गई। वाराणसी में काशी विद्यापीठ के कुछ छात्रों ने सिगरा के आईपी मॉल पर टिकट खरीदने वालों को वहां से खदेड़ दिया। फिल्म का विरोध करने वालों ने शाहरुख के पोस्टर जलाए, फिर वो टिकट घर के सामने धरने पर बैठ गए और शाहरुख मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी बीच किंग खान के समर्थक भी वहां पहुंचे और शाहरुख जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। माहौल इस कदर गर्मा गया कि दोनों गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट होने लगी। तीन सुपरस्टार खान है, उनके बाद भी उनको लगता है कि इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ी हम विद्यापीठ के छात्र नेता और छात्र उनकी इस बयान का बहुत भर्सना करते हैं, उनकी कड़ी निंदा करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उनका पोस्टर जलाया है, उनका पुतला जलाया है और हम उनको ये भी बताना चाहते हैं अगर आगे ये बयान देते हैं तो उनकी कोई भी मूवी चलने नहीं दी जाएगी पूरे बनारस में। सवाल ये है कि आखिर ये तमाम विरोध क्यों? विरोध का ये कौन सा तरीका है? अगर विरोध करना ही है तो बहुत तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों ने विरोध के तौर पर शाहरुख की दिलवाले न देखने का फैसला किया था, लेकिन पोस्टर फाड़ना, हंगामा करना और फिल्म देखने आए लोगों को भगा देना, ये कैसा विरोध है? क्या इस देश में किसी शख्स को, वो भी एक सुपरस्टार को, अपने बयान की कीमत इस तरह से चुकानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। रिपोर्ट के अंदर जो विजुअल्स आपने अभी देखे, ये कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले पर जारी दंगल से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या फिल्म के विरोध में पोस्टर फाड़ना, शाहरुख के खिलाफ नारेबाजी करना, ये जायज है? सेंसर बोर्ड से पास फिल्म के विरोध में शाहरुख को टारगेट करना, क्या ये जायज है? तीसरा सवाल, शाहरुख के बयान के विरोध में फिल्म का बॉयकॉट करना कितना उचित है? चौथा सवाल, शाहरुख के माफी मांगने के बाद विरोध की क्या वजह है और शाहरुख की फिल्म के विरोध के पीछे सियासी वजूहात है? चर्चा में हमारे साथ हैं मुंबई से बीजेपी के नेता शाइना एनसी, अभिनेता एजाज खान भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस समर्थक शहजाद पूरावाला, जो वकील भी हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सचिव मुन्ना कुमार शर्मा और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। सबसे पहले शहजाद,
मैं आपके पास आता हूं, आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, और दो दिन पहले हम इसी पर डिबेट कर रहे थे बिल्कुल, और उसमें आपने बहुत सारे मसले उठाए थे। शाइना हमारे साथ मुंबई से उस दिन भी जुड़ी थी जी। आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जो विजुअल्स आज देश भर से आ रहे हैं, अभी हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इनको देखकर सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में यही बात आती है कि काश शाइना एनसी के पार्टी के लोग शाइना एनसी जी की बात को तवज्जो देते जो उन्होंने उस दिन कही थी कि हम लोग ऐसी तरीके के प्रोटेस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे, ऐसे प्रोटेस्ट को ना होने देंगे। आपके पास रिपोर्टें हैं, मेरे पास भी है, जबलपुर, जयपुर, अहमदाबाद, जहां पे भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे हिंदू संगठना या तो खुद बीजेपी या उसके युवा मोर्चे ने ये सारे हथकंडे अपनाए हैं, और केवल इसलिए कि शाहरुख खान ने असहिष्णुता पे एक बयान दिया। आप विचारों से मतभेद रखिए, पर क्या ये मूवी सिर्फ शाहरुख खान की है? क्या इसमें और कलाकार नहीं है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं ये एक रूटीन नहीं बन चुका है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सिनेमा वालों को ब्लैकमेल करते हैं, सिनेमा हॉल ओनर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, और इसमें एक्सटॉर्शन भी करते हैं? तो ये ऐसे गोरख धंधे जो चलेंगे क्या बीजेपी शासित प्रदेशों में? क्या यही स्थिति हो चुकी है? आपका आरोप एकदम साफ है। शाइना दो दिन पहले डिबेट में आप कह रही थी और मैं खुद यहां पर बैठा था, हम सुन रहे थे, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी ऐसे सारे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करती है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कम से कम दो जगह कंफर्म कर रहे हैं, जयपुर और पटना, जहां बीजेपी के यूथ विंग ने खुद आगे बढ़कर प्रदर्शन किए हैं शाहरुख के खिलाफ। आप क्या कहेंगे, क्या आपका कंट्रोल नहीं है अपने लोगों के ऊपर? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कला के क्षेत्र में कोई राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। जो एक फिल्म को सेंसर बोर्ड के माध्यम से परमिशन मिला है तो वो फिल्म चले ना चले वो पब्लिक तय करेगी। ये कोई पब्लिक सेंटिमेंट से तय नहीं होता, एक आंदोलन से तय नहीं होता कि पर शाइना बॉयकॉट हो रहा है, लोग मुद्दा ये लोग है, मैं थिएटर के बाहर पोस्टर जला रहे हैं, जो लोग फिल्म देखने आ रहे हैं वो डर रहे हैं, ये सही है? क्या आप निंदा करेंगी भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के जो लोग काम ये कर रहे हैं उसकी निंदा करेंगी अभी और एक्शन? पहले तो कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी सेना को आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़िएगा मत। आप उनको क्यों निष्कासित नहीं करती तुरंत, अभी के अभी उनको सस्पेंड कीजिए कि ये हमारी पार्टी लाइन के खिलाफ है, और आपके वहाँ के लोगों को कहिए कि हिंदू सेना, कौन सी सेना, बंदर सेना, सबको जेल में डाले? क्यों नहीं डालते आप? ये किसकी जिम्मेदारी है? आप यहाँ पे आके सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकती, आपको कदम उठाने होंगे। मैं समझ सकती हूँ कांग्रेस की प्रतिक्रिया और कांग्रेस की परिस्थिति, क्योंकि उनके पास थोड़े कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं कि कोई कोई मत नहीं, ऐसे हथकंडे करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है हमारे पास, आपकी बात सही है। मुद्दा ये है कि प्रजातंत्र, आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूँ, हमारे साथ तीन लोग और हैं, उनकी मैं राय बहुत जल्दी से जान लूं। भारतीय अखिल भारत हिंदू महासभा के सचिव मुन्ना कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। मुन्ना कुमार जी, आप ये बताएं, शाहरुख का की फिल्म का जो विरोध हो रहा है वो सही है कि गलत है आपकी राय में? देखिए, शाहरुख खान और आमिर खान देश का गद्दार है, इसकी फिल्में क्या, इसको तो भारत से बाहर किया जाना चाहिए। क्यों है देश के गद्दार? ये खाता तो हिंदुस्तान का है, गाता पाकिस्तान का है। भारत में असहिष्णुता की बात कहके ये भारत को कमजोर कर रहा है, ठीक नहीं लग रही है, भारत को कमजोर करने का काम कर रहा है, इसको देश से बाहर किया जाना चाहिए। और पूरे देश से मैं अपील करता हूँ कि इसकी फिल्में कोई ना देखे, इसकी फिल्मों का पूर्ण रूप से बायकॉट हो और इसको देश से बाहर किया जाए। इस देश भारत हिंदू महासभा के सचिव मुन्ना कुमार शर्मा बोल रहे हैं, एजाज आप बोलना चाह रहे हैं, देश को असहिष्णु कहने का क्या ये मतलब है? इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। उसके जो समर्थक हैं वो भी राष्ट्र विरोधी हैं। देखिए, वापस हम वो ये समर्थक नहीं है सर, ये जो बिचारे हमारे नौजवान, जो आदमी देश को असहिष्णु कह रहा है, जो एक हिंदू लड़की गौरी छिप्पर का धर्म परिवर्तन कराता है, ऐसे आदमी को भारत के लोगों ने किंग खान बना दिया और बादशाह बना दिया, इससे बड़ी असहिष्णुता क्या हो सकती है? भारत से बड़ा असहिष्णु देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहिष्णु देश है, और ये जो दोनों खान है शाहरुख और आमिर, इसने राष्ट्र विरोधी काम किया है। सलमान खान ठीक, इसकी फिल्मों पर बैन लगनी चाहिए और सेंसर बोर्ड को इनकी फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए।
ये सेंसर बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपके बच्चे जाएंगे देखने में, जारी की जा रही है, चलाई जा रही है, होंगे आपके बच्चे, इनका विरोध होगा, इनकी फिल्मों को कहीं भी चलने नहीं दिया जाएगा, इनका लगातार विरोध होता रहेगा। शहजाद, शहजाद एक सवाल पूछना चाह रहे हैं मुन्ना शर्मा जी से, एक मिनट शहजाद, शहजाद का सवाल मुन्ना शर्मा जी से, शहजाद खान मैं मानता हूँ इनकी बात, आखिर चंद दिनों में पलट क्यों गया ये, सुनिए आपसे सवाल, पहले तो असहिष्णु बता रहा था, आपसे सवाल है, ये पलट क्यों गया ये, मुन्ना जी सवाल तो सुन ले, हाँ बताइए सचिव साहब, शाहरुख खान देशद्रोही है, हाँ, आप ये कह रहे हैं, हाँ, पिछले दिनों अरुण जेटली जी की बेटी की शादी में उनको बुलाया नाचने के लिए, हाँ, तो अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है इतने देशद्रोही आदमी को नचवा रहे, ये तो अरुण जेटली जी जाने और साइना जी, नहीं नहीं तो आप क्यों नहीं बोलते, इसके बिना अरुण जेटली के देशद्रोही को नचवा रहे, देशद्रोही के बिना उनकी बेटी की, और आप इतने सहिष्णु है कि आप किसी को बोले पाकिस्तान चले जाओ, हम इतने सहिष्णु है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, इतने सहिष्णु है, जिस आदमी को यह हिंदुस्तान ने, अरे आप जेटली जी का खंडन कीजिए पहले, किंग खान का खंडन कीजिए, उसका बादशाह बनाया, जेटली जी का खंडन कीजिए, मोदी जी का खंडन कीजिए, सहिष्णु है, ऐसे आदमी को भारत से बाहर करने के अलावा, आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता वेद शंकर तिवारी जी हमारे साथ है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से शायरा एनसी बिल्कुल साफ कह रही है कि बीजेपी इस बात के समर्थन में नहीं है कि शाहरुख खान की फिल्म को बॉयकॉट किया जाए, विश्व हिंदू परिषद क्या कह रहा है, जो बात मुन्ना कुमार शर्मा कह रहे हैं वो सही है कि शाहरुख खान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? आकाश जी, ये 125 करोड़ लोगों का देश है और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग भारत में भारत भक्त रहते हैं, और भारत के खिलाफ अगर कोई शब्द कोई बोलता है तो उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपको ध्यान में होगा जब ये चुनाव चल रहे थे तो शाहरुख खान साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि अगर फलाने अमुक प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पाकिस्तान की वकालत कर रहे थे। आप कल्पना करिए कि जिस देश में शाहरुख खान जिस जनता के बल पर इतने बड़े अभिनेता बने हैं उस जनता को आप नकार रहे हैं, आप पाकिस्तान को अच्छा बोल रहे हैं, भारत को खराब बोल रहे हैं। और दूसरा मौका तब आया आकाश जी, जी, कि जब ये भी चुनाव हो रहे थे वो तो पूरी तरीके से राजनीतिक वक्तव्य था उनका, बिहार में चुनाव हो रहे थे और एक सहिष्णुता और असहिष्णुता की एक बयार आ गई थी लोगों को बोलने की, आखिर ये कलाकार हैं, उनको उस समय बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, उस समय इन्होंने बयान दिया कि देश में असहिष्णुता है, जो विरोध है ये कम से कम एक हिस्सा उसका राजनीतिक है। आकाश जी मैं बात पूरी कर लेता हूँ, तो आज वास्तव में इस फिल्म को लेकर जो हम डिबेट कर रहे हैं यहाँ दो बातें हैं, हम फिल्म का विरोध कर रहे हैं या शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, हम शाहरुख खान के उन वक्तव्यों का विरोध कर रहे हैं, हम शाहरुख खान को उन कृत्यों का विरोध कर रहे हैं जो उन्होंने किए हैं। देखो जो बॉयकॉट को सही ठहराते हैं हैं, बॉयकॉट को सही ठहराते हैं किस बॉयकॉट को, जो उनकी फिल्म का बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है, जो लोग थिएटर के बाहर उनके पोस्टर जला रहे हैं, जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं वो डर रहे हैं, सही है आकाश जी? ये कला प्रेमी देश है, किसी की फिल्म आई है जिनको देखना वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना वो नहीं देखेंगे, हम फिल्म को लेकर कोई बात नहीं कर रहे, आप शाहरुख खान को लेकर बात कर रहे हैं, आपको खड़े होना पड़ेगा, विश्व हिंदू परिषद लेकर बात कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद जो शाहरुख का विरोध कर रहे हैं थिएटर के बाहर खड़े होकर उनका समर्थन करते हैं, शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं आकाश जी, वो फिल्म का नहीं शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, आप उनके समर्थन में हैं, इस पिक्चर के बल पर, इन पिक्चरों के बल पर वो धनाढ्य बने हैं और उसी के मद में चूर होकर वो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में रहना समर्थन में है, ये बात फिर मान रहे हैं क्या? मतलब आप मान रहे हैं कि जो लोग शाहरुख की फिल्म का, बल्कि शाहरुख का आप कह रहे विरोध कर रहे हैं वो सही है? बिल्कुल, तो आप पूरी तरह उनका समर्थन कर रहे हैं? मैं उनका समर्थन कर, शाहरुख का विरोध, देखो 125 करोड़ देश में आकाश जी जिसको अगर ठीक नहीं लगता होगा कुछ तो वो हर आदमी यहाँ डिबेट करने के लिए तो नहीं बैठेगा, तो फिर तो आपकी, कहीं कहीं विरोध फिर तो आपकी नाराजगी भी है बीजेपी से जिसका प्रतिनिधित्व अभी शाइना एनसी कर रही है। देखो हमने एक बात अपनी स्पष्ट कही है, किसकी नाराजगी है और किसकी नाराजगी नहीं है इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शाहरुख खान ने जो दो वक्तव्य आपके सामने दिए हैं, देश की जनता जब भड़केगी तो वो हर व्यक्ति डिबेट पर नहीं बैठेगा, टीवी पर नहीं बोलेगा, वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेगा, वो निकलता है जाकर के। कानून कायदा बरकरार रखना सरकार का काम नहीं है कि कोई राय मत प्रतिक्रिया दे, जो 125 करोड़ की आबादी में जो कोई कुछ कहे सरकार का ये भी काम नहीं है साइना जी कि देशद्रोह को चुपचाप देखते रहे, कोई देश तोड़ने में लगा हो उसको चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, किसी सरकार का ये भी काम नहीं है, सरकार ने देश को बचाने के लिए चुना है भाजपा को, देश को मजबूत करने के लिए चुना है, और कोई अगर देश को कमजोर कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार चुपचाप बैठी रहे ये सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है देश को बचाना, देश को एक मिनट एजाज जवाब दे रहे, एजाज आप जवाब दे, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?
मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नौजवान बेचारे गुमराह नौजवान ये जो कर रहे हैं, ये जब जेल में जाएंगे तो इनको छुड़वाएगा कौन? एजाज भाई एक बात का उत्तर दे दीजिए। जब शाहरुख खान ने पाकिस्तान को सराहा और अश्लीलता की बात की, उनकी बात का समर्थन करते हैं आप? अरे सर, इनका बेल हिंदू महासभा कराएगा। एक मिनट, विजय जी का जवाब, एक मिनट, विजय जी और एजाज बात कर रहे हैं। विजय बोले तो आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे हो यार। एक तो एजाज भाई, मैंने अपना विषय रख दिया, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैंने अपना विषय रख दिया कि शाहरुख खान साहब ने जब ये कहा कि पाकिस्तान चला जाऊंगा, वो बात उनकी सही थी क्या, ये बताइए आप जरा। नहीं तो आमिर कह रहे थे कि नहीं, शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ मैं। शाहरुख ने क्या बोला था? नहीं, शाहरुख खान ही तो बोला था, आमिर ने नहीं बोला था। नहीं, शाहरुख की किस बात का विरोध? नहीं नहीं, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारत से अच्छा पाकिस्तान है, ये उनका बयान था। एजाज, अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनो। क्या होता है, जैसे अब जैसे मैं अहमदाबाद से हूं, मैंने अपने नाना नानी, मेरे मामा, बहुत लोग वहां पे हमारे खोए, हमने अपने, तो हमारा घर जला, तो ये समझ लो कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उस टाइम पे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और इतने बड़े मसले हुए जहां पे किसी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, हिंदुस्तानियों का साथ नहीं दिया। आप गोधरा की बात करिए ना, गोधरा के बाद अहमदाबाद हुआ था, गुजरात हुआ था, तो आप गोधरा भाई आगे बढ़ो, इजाज भाई आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ ने तो मसला दूसरी तरफ चले जाएगा। बात तो बोलने दो, बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि शाहरुख खान के जो बेचारे नौजवान जो पुतले जला रहे हैं, ये सब जला रहे हैं, ये उनके फैन है, वो बेचारे पैसे देके बुलाया गया है, बेचारों के पास काम नहीं है। बेचारे मत ये रात यार, छूला देवी, अरे एजाज भाई, छूला देवी को देखने भी बहुत सारे लोग जाते थे। छूला देवी नौजवान हमारे यहाँ तक थी, उसको देखने भी बहुत सारे लोग जाते थे। इस खूबी में नहीं रहना चाहिए कि लोग क्यों देख जाते हैं, जा रहा है इनको, सिर्फ भड़काया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये खुद जाके रात को पिक्चर देखेंगे। तो आप लोग हैं शायरा एनसी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये देश के हीरो हैं या गलत काम कर रहे हैं? शायरा एनसी, देखो ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, आंदोलन का है, बेशक बेशक। जी शायरा को बोलने दें, इजाज़ भाई, हिंदू कहे ना मुसलमान कहे, हिंदुस्तानी कहे अपने आप को, और आप भी यही कहिए, देशद्रोही का विरोध करके ये देश के हीरो बन रहे हैं, दाढ़ी लेके बैठ जाता था, देश का आदमी हीरो मान रहा है। आप कृपया किसी और को धोखा देंगे या देश के लिए जाएंगे, और ये लोग देश के लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ बहुत देर से शायना बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शायना आप बोलिए, स्टूडियो में एजाज भाई सुन ले, शायना बोल रही है, शायना बोल रही है। संवेदनशीलता के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि एक दूसरा का सम्मान कीजिए और शुरुआत कीजिए स्टूडियो में। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को आंदोलन करना है वो कर सकते हैं, जिन लोगों को अपना मत रखना है वो रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सरकार की भूमिका ये है, सरकार की भूमिका है कि कानून और न्याय हम बरकरार रखें, जो किसी को स्ट्रेंथ अवार्ड से सर्टिफिकेट मिला है वो फिर देखना चाहे वो देखे, नहीं देखना चाहे नहीं देखे, लेकिन ये पिग्गी बैंक पॉलिटिक्स कृपया बंद कीजिए। वो एक बड़ा एक कलाकार आ गया, उनके कोई विवाद में आप घुस गए, आप उस पीछे पड़ गए, फिर आप चीखते जाएंगे, चिल्लाते जाएंगे, उससे मुद्दा नहीं बनता है। मुद्दा बनता है जब आप जहाँ देश विरोधी काम होगा वहाँ देश के लोग यहाँ आके विरोध करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत के कोई भी नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान, उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हर एक देशभक्त है, और जो व्यक्ति देशभक्त नहीं है उनके प्रति जो कार्रवाई करनी चाहिए वो सरकार करेगी। आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप टिप्पणी बार बार कर रहे हैं, देखिए दिक्कत ये है कि मोदी जी ने सही कहा था कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पर सुरक्षा की तो जरूरत है, और जहाँ पे बीजेपी के शासन है वहाँ पे क्या वो सुरक्षा प्रदान कर रही है? सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है, इलाहाबाद को छोड़ के? और दूसरी बात, हिंदू महासभा साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके गोडसे जी ने गांधी को गोली मारी और शाहरुख खान के ग्रैंडफादर ने INA में सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़ी, आप उसको सर्टिफिकेट दोगे देश प्रेम का? आप दोगे सर्टिफिकेट गोडसे की पूजा करने वाला
आज देश में लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, आप भी नहीं दे सकते हैं जो देश और ये यूपी की पार्टी है, साइना एनसी की पार्टी, जिसके एमपी कहते हैं कि गॉड से देशभक्त है, इसी की वजह से ये देश आज जल रहा है, इसी की वजह से विरोध किया जा रहा है, इसी की वजह से ये देश जल रहा है, क्योंकि साइना की पार्टी कुछ कहती नहीं है, देशद्रोही, साइना की पार्टी ने उनका टेप लगा के बैठ रहे हैं, देशद्रोही का विरोध हो रहा है, एक देशद्रोही का विरोध दूसरे देशद्रोहियों को बुरा लग रहा है कि इनको जेल में डाले, उसकी फिल्मों का बायकॉट हो रहा है। शहजाद भाई, किसी का पिता अच्छा हो सकता है लेकिन बेटा जैसा होगा पिता राष्ट्रद्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट से के देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है, देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है, लेकिन जो किया वो गलत है, गोर से देशभक्त है, दो बातें कहा, हिंदू देशद्रोही का हो गया। एक मिनट एक मिनट, मसला गंभीर है बुन्ना जी, एक मिनट रुकिएगा, मसला गंभीर उठाया है शहजाद ने और विजय शंकर तिवारी एक फर्क करके कुछ बताना चाह रहे हैं। विजय जी, नहीं मैंने कहा देखो किसी को अनावश्यक देशद्रोह और देशभक्त में दोनों में अंतर समझना चाहिए। इन्होंने कहा कि वो देशद्रोही थे, देशद्रोही कहना ठीक नहीं है। तो ये शाहरुख खान को कितने देश से कह रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं कहा? नहीं नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान हूं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा अगर अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पाकिस्तान जाना ज्यादा विजय जी नहीं, उन्होंने कहा, जिसने ये कहा कि भारत छोड़ के पाकिस्तान चला जाऊंगा उसको आप गुड सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और आपके एनआरआई जो पहले से पाकिस्तान चले गए, अमेरिका चले गए, नहीं जो चले गए, नहीं जो चले गए, आज 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 भारत और पाकिस्तान के लिए कमाने के लिए आज भारत और पाकिस्तान की क्या स्थिति है, आज पाकिस्तान के लिए भारत में नफरत है। अरे शाहरुख खान का परिवार पाकिस्तान को लात मार के भारत में रहा, फिर क्यों जाना चाहिए, आप फिर उसे जाना चाहिए, बता रहा हूँ, आप सबको रोक रहा हूँ, आप सबको रोक रहा हूँ। शाइना, आखिरी 30 सेकंड आपके, क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत ऑड है, एक तरफ आप फंसी हैं शाहरुख को अच्छे से जानती हैं और दूसरी तरफ उनके विरोध करने वाले बहुत सारे हैं, एक तरफ आप बीजेपी की तरफ से आपका खुद का विरोध करने वाले परिवार के अंदर के लोग हैं, आप पोजीशन क्लियर करें प्लीज। सबसे पहले तो मैं कोई ऑफर पोजीशन में नहीं हूँ, शाहरुख के बयान से मैं मतभेद रख सकती हूँ और मैं ऐलान भी कर सकती हूँ, मुझे जो आंदोलन करना है तो मैं आंदोलन भी कर सकती हूँ, प्रजातंत्र की खूबी ये है। लेकिन जो किसी व्यक्ति को मैंने कहा कि उनके फिल्म को मैं बॉयकॉट करने वाली हूँ, तो उससे मैं सहमत हूँ, वो जनता तय करेगी, या जनता तय करेगी कि उनको कला के क्षेत्र के कोई किरदार के रूप में देखना है वो फिल्म या नहीं, आपके मेरे प्रचार से नहीं। जहाँ तक सरकार की भूमिका है, बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सही सर्टिफिकेट मिला है वो फिल्म चलनी चाहिए, गलत चले, सही चले, प्रॉफिट में चले, लॉस में चले, वो जनता तय करेगी। ठीक, मेरे पास समय समाप्त हो गया, एजाज भाई मैं जानता हूँ आप पूछना चाह रहे थे किसी और डिबेट में, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आज का बहुत जरूरी था ये डिबेट और इस बात को और आगे ले जाना, इसको किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना बेहद जरूरी है।